बेहोश हो गई है। बेटी क्या हुआ तुम्हें? उठो। पीछा करते रहो उनका, यकीनन वो उस तंजीम के किसी रुकन से जरूर मिलेंगे, और जब ऐसा हो तो उन सबको जिंदा पकड़ लेना। पाशा यहाँ एक खाका मौजूद है। इस पे एक उकाब बना हुआ है, क्या आप इसका मतलब समझ सकते हैं पाशा? हमें एक ऐसे कहवा खाने के बारे में मालूम हुआ जहां यानी के आदमी आते हैं। हम वहां गए तो दो आदमी तातार के बदले में पनाहित का तकाजा कर रहे थे। सुल्तान मौसम, मैं और मेरे वालिदैन, बताइए आखिर इस तंजीम से कैसे जुड़े हैं इस्माइल हकी साहब? मैं नहीं जानता पाशा, नहीं जानता। कोई ऐसी जगह नहीं जिसे हम तलाश ना कर सके। अभी सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि फिलहाल इसे मुलतवी करना होगा। वो शहजादे से मिलने के लिए बेताब है, यकीनन महल से निकलने का रास्ता तलाश कर लेंगी। खूबसूरत होने के साथ बहुत ज़हीन भी है। ये क्या है? ये शहजादे के लिए लिखी गई मेरी ताज़ा तहरीरें हैं, उम्मीद है उन्हें पसंद आएंगी। मैं चाचा के साथ और इन्हीं के साथ काम करूंगा। ये क्या कह रहे हो पनाहित? मेरा यानिक से किया हुआ मुआहिदा खत्म हो चुका है, हमारी दोस्ती भी खत्म हुई। रुक जाओ, वरना इसे गोली मार दूंगा मैं। ठीक है। मैडम, आपने कर दिखाया, दीवार टूट गई, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। यानी हम ताबूते सकीना के करीब पहुंच चुके हैं। इसे आराम की जरूरत है, 3-4 दिन आराम करने दें, मैं इसका मुआयना करता रहूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो तबीब। देखिए ड्रामा सीरियल सुल्तान अब्दुल हमीद सीजन 4।